पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को बोलते हैं, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि हमें इंडिकेट करता है कि कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और आपको ग्राफ में ऐसा गिवन होगा, आपको बनाना नहीं होता, आपसे बस ग्राफ गिवन होता है आपको ये, और एरो राइट की तरफ जा रहा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन, और अगर एरो में वॉल्यूम कम हो रहा है इट्स अ केस ऑफ कंप्रेशन। तो पीवी डायग्राम का पहला काम ये बताना एक्सपेंशन हो रही है या कंप्रेशन हो रही है, पॉइंट नंबर वन। पीवी डायग्राम का दूसरा काम जो आप शायद केमिस्ट्री के अंदर भी करते होंगे कि अगर हम इस ग्राफ के अंडर, अंडर मतलब इसके नीचे का एरिया ले लें, ये एरिया ले लें, तो पीवी डायग्राम में इसके अंडर अगर हम एरिया ले लें तो ये हमें क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमें क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एक्सपेंशन। और ऐसी अगर मैं ये निकाल दूं कि इसके अंडर एरिया क्या होगा, अंडर का मतलब पूरा एरिया इसके नीचे का, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन इन कंप्रेशन। तो पीवी डायग्राम पॉइंट नंबर वन ये बताता है कि गैस एक्सपैंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है। पॉइंट नंबर टू ये बताता है कि पीवी डायग्राम के अंडर जो एरिया होगा या तो वो एक्सपेंशन का वर्क डन देगा या वो कंप्रेशन का वर्क डन देगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। वो कैसे करेंगे अभी डिस्कस भी करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम बता दिया कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम आपको नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो ये इसका काम है। अब इसमें वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन मैथमेटिकली, ग्राफिकली अगर कोई पूछे कि ग्राफ से पीवी डायग्राम क्या बताता है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि सर एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ ना दूं, मैथमेटिकली पूछूं बताओ कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो आप इमेजिन करें आपके पास एक गैस है और ये पिस्टन है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ये वाला ऐसा, वो ए है, मान लो ये जो एरिया है वो ए है। पिस्टन शुरू में यहाँ पे था जब इनिशियल गैस की कंडीशन P1V1 थी, एक्सपेंशन स्टार्ट हुई और फाइनली पिस्टन कहाँ पे आ गया, P2V2 पे आ गया। किसी भी इंस्टेंट पर पिस्टन यहाँ पे पाया गया, जब इंस्टेंटेनियस प्रेशर P था और इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम V था, हल्का सा डिस्प्लेस हुआ बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, dx ऊपर उठ गया तो वॉल्यूम में चेंज इंक्रीज हो गया, dV पॉजिटिव हो गया, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा, हल्के से चेंज में प्रेशर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, वॉल्यूम V से क्या हो गया, V + dV हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, V से dV हो गया, प्रेशर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, तो ये सिचुएशन है। तो ये रीडिंग लगानी आ गई आपको, P1V1 से P2V2 जाना है उसे, रास्ते में कोई इंस्टेंटेनियस पे प्रेशर P V है और अगले इंस्टेंट पर जब वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए वॉल्यूम बढ़ गई dV। तो ये बताओ कि ये वॉल्यूम कितना एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ पिस्टन इन टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिस्टन कितना है, dx। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको ये पता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होगी गैस में, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ऑफ पिस्टन। प्रेशर क्या है, एरिया इंटू dx, अभी क्या बताया क्या है, स्मॉल वॉल्यूम dV। तो आपने सुना होगा P∆V केमिस्ट्री में, तो ये ज्यादा क्लियर है P dV क्यों आ रहा है, मुझे पता नहीं, केमिस्ट्री वाले कैसे सिखाते हैं, याद कराते हैं P∆V, याद करो, ऐसा होता है, ऐसा होता है P∆V होता है वर्क डन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। P dV क्यों होता है, P dV एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन है जब स्मॉल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो कायदे से आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगेगी, V1 से V2। आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये तो आपकी समझ के लिए बना रखा है कि मैं ऐसा ना, अच्छा लगता है कहते हुए याद कर लो P dV, फिर इसका ऐसे आए, फिर इसका टीचर कहे आप लिख लो P dV, ऐसा ना होता है, पूछोगे क्यों, तो P dV की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब आप केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं P∆V क्यों करते हैं, केमिस्ट्री वाले सारा काम एवरेज में करते हैं, तभी वो डेल्टा डेल्टा करते रहते हैं क्लास में, P∆V∆V, लेकिन एक्चुअल में वो एवरेज है क्योंकि P∆V में फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम पुट करेंगे, लेकिन रियलिटी में वर्क डन पहले स्मॉल होगा, फिर स्मॉल होगा, फिर स्मॉल होगा, क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। फिर इंस्टेंटेनियस में काम करेगी तो इंटीग्रेशन में काम करेगी, केमिस्ट्री वाले इनिशियल फाइनल में काम करते हैं, काम ही खत्म कर देते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, फॉर्मूला बुकलेट में पहला पॉइंट लिखो, फॉर्मूला बुकलेट में पहला पॉइंट लिखो, पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम, ये लिखो। इसके अंदर
क्या लिखेंगे कि जैसे वॉल्यूम और प्रेशर है, एक्सपेंशन है, और ऐसे ही वॉल्यूम और प्रेशर है, कंप्रेशन है, तो रूल क्या लिखेंगे, एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। ये पहला नोट लिखें फॉर्मूला बुकलेट में, क्योंकि जब थर्मो रिवाइज करेंगे तो इतनी कहानी थोड़ा पढ़ेंगे, बस सीधा लिखेंगे कि पीवी डायग्राम क्या करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा लिखें इसके नीचे का पॉइंट नंबर टू, वर्क डन की वैल्यू किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई मर्जी प्रोसेस आ जाए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ए बी सी डी नाम का प्रोसेस है, स्टार्टिंग यही रहेगा। मैथमेटिकली वर्क डन कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, पी डी वी की इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन से वी टू। ठीक, आप पी डेल्टा वी ना बोलेंगे इसमें, फिर इसमें पी डेल्टा वी नहीं बोलना, हम एवरेज काम ही नहीं करते, हम तो इंटीग्रेट करके करेंगे, तो पी डी वी की इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन से वी टू, बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे इसमें, तीसरा पॉइंट आप ये बताएं कि एक्सपेंशन में, ठीक है, जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में डी वी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। एक्सपेंशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव है और बड़ी है और इनिशियल वॉल्यूम छोटी है, एक्सपेंशन इसी को बोलते हैं, डीवी पॉजिटिव। और ऐसे ही कंप्रेशन, कंप्रेशन में डीवी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्या स्टेप क्लियर है? अच्छा बताओ, कम एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, आपके पास एक गैस है और गैस क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, पिस्टन ऊपर उठ गया, इसी को एक्सपेंशन बोलते हैं। और कंप्रेशन में ये पिस्टन है नीचे को आ गया, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताओ, एक्सपेंशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम, इसके अंदर एक्सपेंशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम। ओके, वोटिंग, कितने लोग ऑन द सिस्टम, कितने लोग बाय द सिस्टम, ओके आते आते इसमें भी आते आते होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने गैस रख दी आपके सामने, ठीक है, और मैंने कहा कि चल ठीक है, गैस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैस इतनी बड़ी थी पिस्टन में, अब पिस्टन को ना खींचेगी, अपने आप को ना दबाएगी, कंप्रेस करेगी, अपने आप पिस्टन खींचेगी, कंप्रेस कंप्रेस, ऐसा होता है? गैस का पिस्टन को खींच के कंप्रेस करती है? नहीं, ये तो होता है कि आपने गैस को हीट दी बिना टच किए, पिस्टन उठा के उसे बाहर फेंक दिया, पर पिस्टन को दबा दबा के अपने को ही कंप्रेस कर लिया, ये तो कभी नहीं सुना होगा। गैस भी देखो, अगर आपको कंप्रेस करना है, आपको बाहर से पिस्टन दबाना है तो वो कंप्रेस होगी, अपने आप थोड़ा पिस्टन नीचे खींचते हैं। समझ आ रहा है यहां तक? अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंप्रेस करना है भाई मेरे को जाना पड़ेगा, मैं पिस्टन को धक्का मारूंगा तभी कंप्रेशन होगा, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मैंने किया। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो क्या आएगा, ऑन द सिस्टम, भाई पिस्टन को मैंने दबाया है, वो खुद थोड़ा दबा लेगी, ऑन द सिस्टम। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि गैस अपने आप एक्सपैंड हो, मीन मैं को हीट दूं या कैसे भी, गैस एक्सपैंड करेगी और पिस्टन को ऊपर फेंक देगी, तो यानी कि ये केस क्या होगा, बाय द सिस्टम, रट्टे नहीं मारने, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। समझो, जिसमें आपकी जरूरत पड़े वो ऑन द सिस्टम है, जिसमें आपको नहीं बुलाया गैस ने, वो बाय द सिस्टम खुद कर लेगी, तो एक्सपेंशन वो खुद कर लेगी बाय द सिस्टम, कंप्रेशन वो खुद नहीं कर पाएगी, ऑन द सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
चलो केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव की नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है। अब इसका आंसर दें कि सपोज जो मैंने वर्क डन करवाया वो क्या है, पी डीवी, चलो स्मॉल वर्क डन पी डीवी, एक्सपेंशन में डीवी आपने खुद बताया मुझे पॉजिटिव, तो अगर ये टर्म पॉजिटिव तो फिर वर्क डन भी पॉजिटिव, और कंप्रेशन में खुद आपने बताया, मैंने नहीं बताया, डीवी नेगेटिव, तो वर्क डन की वैल्यू क्या बनी, पी डीवी, डीवी इज नेगेटिव, तो वर्क डन इज नेगेटिव। फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, और ऑन द सिस्टम या कंप्रेशन इज नेगेटिव, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं इस चीज को। नहीं, मुझे ये ना पूछो केमिस्ट्री में क्या कराया जाता है, अब मेरे में फ्लॉ बताओ, मैं तो ठीक बोल रहा हूं ना, डीवी पॉजिटिव है कि नहीं, डीवी पॉजिटिव है, वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर डीडब्ल्यू पॉजिटिव है, और फिजिक्स में यही चलता है। तो याद रखना, लिखो पॉइंट, एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डीवी पॉजिटिव है, और कंप्रेशन में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डीवी नेगेटिव है। एक्चुअल में दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। केमिस्ट्री वाले ना सराउंडिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है, मतलब मेरे से उनको कोई लेना देना नहीं कि सर आपने भी सिस्टम को धक्का मारा था, वो तक मारता होगा, फिजिक्स वाले मारी जाएगा धक्का, फोर्सफुल पड़ता होगा, वो अपना काम सिर्फ गैस को रिलेटेड करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ानी गैस है, तो वो कहते हैं कि जो गैस है हम अपना काम सारा सिस्टम रिलेटेड करते हैं, और फिजिक्स वाले अपना काम सराउंडिंग रिलेटेड कर, सराउंडिंग मीन्स एक्सटर्नल रिलेटेड करते हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं, जब आपने जो है उस पिस्टन को दबाया या आपने वर्क डन किया, गैस ने अपने ऊपर वर्क डन तो नेगेटिव हो गया उसका, क्योंकि उसने तो कुछ किया नहीं, तो केमिस्ट्री वाले हर काम विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम करते हैं और हम सराउंडिंग करते हैं, तो इस वजह से नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। बट अदरवाइज एक सही तरीका बताऊं, फिजिक्स में फिजिक्स लगाना, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लगाना, केमिस्ट्री फिजिक्स में मत लगाना, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मत लगाना, बिल्कुल क्लियर, दो अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ की लैंग्वेज वहीं यूज़ कर लेना, यहाँ की यहाँ यूज़ करना, बात ही खत्म है, कन्फ्यूजन करनी नहीं, कोई केमिस्ट्री लगवानी नहीं मेरे को, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, फिजिक्स में हम क्या करेंगे समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लिया, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके अंदर इंडिकेटर डायग्राम से एक चीज बताई गई है, ये आपका एक एक्सपेंशन का इंडिकेटर डायग्राम, मान लो गैस एक्सपेंड हो रही है पी वन वी वन से पी टू वी टू, तो इसके अंदर मान लो आपने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, टोटल अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा, पर अगर मैं इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं, ये रहा बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही छोटा पॉइंट लिया इसका, इस पूरे कर्व का हल्का सा पॉइंट लिया और ये लिया, ये रहा हल्का सा पॉइंट, ये रहा, इसके अंडर क्या निकाला, एरिया निकाला, तो इसके अंडर एरिया स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या देगा, वर्क डन, टोटल एरिया टोटल वर्क डन, स्मॉल एरिया स्मॉल वर्क डन, स्मॉल एरिया होगा क्या, देखो ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, बहुत बहुत छोटा है, कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर P है, A की भी और B की भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू P ही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो V, ये छोटा वॉल्यूम कितना है dV, तो अगर ये हाइट P है और ये विड्थ dV है तो एरिया क्या बनेगा, P dV, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या बनेगा, P dV, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल एरिया, और अगर मैं टोटल एरिया निकाल दूं ऐसे स्ट्रिप्स कर करके तो क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और मैथमेटिकली हमें क्या करनी पड़ती है, इसकी इंटीग्रेशन, मैथमेटिकली इंटीग्रेट कर देंगे और ग्राफिकली इसका एरिया निकाल देंगे, तो इसके अंदर कुछ बताया ही नहीं है, सिंपल ये चीज बताई है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मैथमेटिकली पी डी वी की इंटीग्रेशन है, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एरिया अंडर पी वी डायग्राम है, ये ऑलरेडी आपको पता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया।